नमस्कार लाम पहला, कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भावना पहाड़ी में। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली के त्यौहार और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गोवर्धन पूजा और दिवाली के त्यौहार का व्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि ससुराल आई हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि हम लोग उसके एक दिन पहले आए थे तो इसलिए बहुत सारा काम करना था। और सोचा था कि शाम से व्लॉग शुरू करूँगी तो फिर लाइट चली गई थी, तो हम लोगों ने दिवाली का त्यौहार भी ना अंधेरे में ही मनाया, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई और आज व्लॉग शूट कर रही हूँ गोवर्धन पूजा से। तो फिलहाल हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारा है माल्टा का पेड़, ये देखिए बहुत सारे माल्टा हैं। तो ये देखिए आज करते हैं गाय की पूजा। इससे क्या कर रहे हो? थोड़ा सा सींग करते हैं ना, जैसे हो जाते हैं, घी लगाते हैं। गाय का नाम है बसंती। अब चल लगाएंगे इसको माला। और भी यहाँ पे बहुत सारी गाय बच्चियाँ हैं, देखिए अभी किसी को लगाया नहीं है, मुझे सबसे पहले हम ही लगा रहे हैं। वो कह रही मेरे को नहीं पहननी आपके हाथों से जय माला। प्रणाम। हाँ आप ठीक हो? प्रणाम। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बधाई दिवाली। छिया हूँ तो काम हो ही जाता है, नहीं होता टाइम। हाँ जो है चूड़े कूटेंगे। पापा अंदर धान को भून रहे हैं और पंकज जी फिर उखल में धान को क्या करेंगे, कूटेंगे। हाँ तो यहाँ पर जो है अलग तरीके से चूड़े बनाए जाते हैं। हमारे खैरना में जो है हम लोग गुड़ और तिल और तेल को मिक्स करके बनाते हैं, तो दो तरह के चूड़े बनते हैं। तो ससुराल में ऐसे वाले चूड़े बनते हैं, तो अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसे होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी। और फिलहाल ये देखिए मेरी रंगोली मैंने दिवाली में बनाई थी और एक ऊपर बनाई थी, दो रंगोली बनाई थी मैंने। दिवाली का तो व्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था इस वजह से, और फिर शाम को लाइट थी नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज मैंने कहा कि आज शुरू करते हैं, तो कल हम लोग भी त्यौहार बनाकर जो है चले जाएंगे खैरना को। सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं क्योंकि 12 से 15 तक की छुट्टियां थी। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए यहाँ पर पंकज जी कूटने लग गए हैं धान को। शुभ दिन बार आयो चा, शुभ दिन बार आयो चा, आज पोणो न चौक भरियो चा, आज पोणो न चौक भरियो चा, साबी गेल्या रंग मत बण्या चा, ढोल दमो बाजो तक ढिंग तालो, ढिंग तालो तक ढिंग तालो, ढिंग तालो। यहाँ पर भावना धान कूटने लग गई है च्योड़े।
बट ट्राई कर रही है। अच्छे वहाँ कुट रहे, कुट रहे ना तो हाँ। तू भी आ गई है सुबह सुबह, यहाँ पर लगाया हमने धनिया, यहाँ पर कुटी जा रहे हैं चौड़े। ये वाले अच्छे कुटे हमारे सुंदर से गुलाब के फूल। भावना धान सूखे में धान टक रही, चूड़े कूट कर उनको बीन भी लिए हैं। ये है चूड़े और इतने सारे से चूड़े निकाले तो 11:30 हो गया, बहुत टाइम लग गया। अब हम लोग करेंगे लंच और नाश्ता एक साथ, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया था, हालांकि चूड़े कूटने थे तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया नहीं था, तो इस काम से हो चुके हैं फ्री। तो थोड़ा बहुत अब मैं किचन का काम करती हूँ और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।